माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा'स फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शिमचा एडवेंचर पार्क, जो कि इंदौर के पास है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ की राइड्स वगैरह, यहाँ की प्राइजेज, यहाँ का खाना, यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में हो सकेगा जितना मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ पर हमारी कार से ही गए थे। ये राव पीथमपुर रोड पे है शिमचा एडवेंचर पार्क। ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री हमने ले ली है और पार्किंग का एरिया भी काफ़ी बड़ा था और बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ वगैरह लगे थे, बहुत प्यारे प्यारे फूल थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था एंट्री पर ही। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है पूरा। और इसके साथ फिर हम अंदर एंटर हुए और टिकट काउंटर की ओर हम फिर बढ़े। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं टिकट काउंटर है, तो यहाँ पर 200 रुपये एंट्री फीस है और उसके अलावा 1100 रुपये, 1600 रुपये, इस टाइप से पैकेज है। ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे अलग अलग तीन तरह के पैकेजेस लिए और फिर अंदर एंट्री के लिए हम रेडी हो गए। बहुत एक्साइटमेंट था हम लोग को, क्योंकि एडवेंचर करना तो सभी को पसंद आता ही है अगर बॉडी फिट है। तो यहाँ हमने जैसे एंट्री की, यहाँ पर वॉश एरिया, सबसे पहले वॉशरूम वगैरह थे, एक डॉक्टर का रूम भी था और उसके साथ ही यहाँ पे बढ़िया बढ़िया जानवरों का पूरा ये बने हुए थे इस टाइप से, बहुत सुंदर लग रहा था और बड़े अक्षरों में शिमचा लिखा हुआ था। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी राइड्स थी। और साइड में हम आगे बढ़े तो ये कैंटीन था, यहाँ पे हट्स बनी हुई थी बैठने के लिए, टेबल चेयर वगैरह रखी हुई थी। और यहाँ पे पेंट बॉल का जो है अंदर पूरा था, जो पबजी टाइप कुछ गेम होता है वो था। हम लोग ने तो नहीं उसको खेला, लेकिन हम लोग बाहर से ऐसे देख के निकल गए। और ये जो है एक टॉय ट्रेन है, ये बहुत ही अमेजिंग है, इससे आप ज़रूर बैठे जाने के तुरंत बाद, ताकि आपको ये पूरा ग्राउंड, पूरा राउंड एक जो है पार्क का लगा देगी। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन कौन से राइड्स हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो म्यूज़िक के साथ हमने एंजॉय किया। और ये आप देख ही सकते हैं कि हम पहले हमारी नानी के गाँव जाके और मेलों में जो ये झूला इंजॉय करते थे, तो इसमें हम सब ने खूब इंजॉय किया, खूब मज़ा आया, बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई। तो ये 50 रुपये पर हेड था ये वाला जो है राइड। और ये जो है आप देख सकते हैं इजेक्टर है, यहाँ पे एक भैया जो थे वो कर रहे थे, हम लोग की तो हिम्मत नहीं हुई इसे देखकर, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इन्हीं का वीडियो बना लिया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये गए इतना ऊपर और थोड़ा डेंजर तो था, लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप ज़रूर कीजिए। इसका रेट हमने पूछा तो नहीं था, पर शायद 150-200 रुपये समथिंग होगा ही होगा इसका। और उसके बाद फिर हम ये देखने के बाद अगली राइड की ओर बढ़े। तो ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल साइकिल टाइप था कुछ बढ़िया सा, तो ये 200 रुपये की एंट्री जो होती है उसमें फ्री था, तो हमने इसका मज़ा लिया, अच्छा लगा। फैमिली के साथ तो खैर कुछ भी करो तो अच्छा ही लगता है। और उसके बाद ये जो देख सकते हैं आप कैंटीन, जो नाश्ता वगैरह अगर आपको करना हो या ठंडा कुछ चाहिए हो, तो यहाँ पर एक कैंटीन भी है और एक रेस्टोरेंट भी है अगर आपको खाना वगैरह खाना हो तो। और यहाँ पे बच्चों के लिए तो जगह जगह पे जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी हुई थी एंजॉय करने के लिए। और उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा राउंड जो है एक साइकिल का आप लगा सकते हैं, अच्छा लगता है अगर आपको साइकिलिंग पसंद हो तो। 50 रुपये पर हेड था ये भी। और ये बढ़िया हमारी जो टॉय ट्रेन है वो, और ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही बढ़िया है बाहर से, अभी हम अंदर जाके भी आपको दिखाएँगे। बहुत ही अच्छा था, अंदर से भी काफ़ी साफ़ सुथरा था। और यहाँ पर 350 रुपये एक पर पर्सन का था, बुफे सिस्टम था, काफ़ी अच्छा था खाना। तो हम लोग ने यहाँ पे भूख लग रही थी तो अच्छे से खाना खाया और फिर हम हमारी अगली राइड के लिए रेडी हो गए। और ये देख सकते हैं ट्रैक्टर चला रहा है मेरा बेटा, उसको बड़ा मज़ा आया कि कुछ नया कर रहे हैं, यूँ नॉर्मली ट्रैक्टर चलाते नहीं हम लोग, तो अच्छा लगा। और फ्रेंड, यहाँ पर जाने का जो टाइम है मेरे हिसाब से अक्टूबर से मार्च तक के ज़्यादा ठीक रहता होगा, क्योंकि हम लोग मई में गए थे तो धूप बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि ज़्यादातर एरिया ओपन था, तो गर्मी से बस थोड़ा हम लोग का हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी, बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो अक्टूबर से अगर आप मार्च तक के जाते हैं तो बाहर का मौसम अच्छा रहेगा, तो आप आराम से बाहर इंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ ठंडे पानी की वगैरह का इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था। और ये आप देख सकते हैं जो गो कार्ट होता है, कार होती है स्पोर्ट्स कार टाइप, उसका ये जो है पूरा रास्ता बना हुआ है। और ये ऊपर कुछ एडवेंचर वगैरह है करने के लिए, जिसको पसंद है वो कर सकता है। ये ऊंचा नीचा रास्ता गो कार्ट का बना हुआ है पूरा, बढ़िया टायर वगैरह लगा के, और इसको भी हमने एंजॉय किया। ये आप देख सकते हैं हम लोग बैठे हैं, थोड़ी देर ही मैं वीडियो बना पाई बैठकर, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ इसमें, क्योंकि ओपन था पूरा, तो फिर बाकी बाहर से बनाई हमने।
ये कुछ लोग भी बैठने का तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा लगा था। ये भी करीब 400 रुपये एक लोग का, और अगर दो लोग साथ में बैठते हैं तो 600 रुपये दो लोग का था, तो अच्छा था काफ़ी। बस थोड़ा हम ध्यान से चलाया क्योंकि पहली बार था तो डर भी लग रहा था, और भैया ने बोल दिया था कि अगर आपने दो बार इसको ठोक दिया अगर टायर से तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपको उसी वक्त उतरना पड़ेगा। तो हम बड़े संभल के चला रहे थे कि भैया 400 रुपया 600 रुपया दिया है तो थोड़ा संभल के चलाएं ताकि पूरा इन्जॉय कर सकें। और फाइनली हम लोग बिना ठोके आ गए, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट राइड के लिए गए। और यहाँ पे वो जो रेसिंग कार होती है ये इस टाइप से, ये भी थी, इसका भी हमने मज़ा लिया। और उसके बाद जो है फिर ये जो है टेम्पलिंग पार्क के नाम से एक पूरी जगह है जहाँ पे बच्चों के लिए अलग से खूब अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें थी यहाँ पे। देख के तो मेरा भी मन कर रहा था यहाँ जाऊँ, लेकिन बड़ों का अलाउ नहीं है जाना, बच्चों के लिए ही है। खैर हम लोग बड़ों के इसमें खूब इंजॉय किया हम लोग ने, और इसका चार्ज तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ों का जो है आधे घंटे का 400 रुपये एक का लगा था हमें। ये देख सकते हैं आप, बैलेंस करने के लिए बम्बू लगे हुए हैं, और यहाँ पे खूब बच्चे बड़े सभी मस्ती कर रहे हैं। और ये मेरा भतीजा है, ये देख सकते हैं कितना बंदर है, कूद गया ये। और ये जो है अभी मैं सोच रही थी कि ये मैं करूँ, लेकिन जब मैंने देखा मेरी बेटी को ये राइड जो फिसल पट्टी पे से फिसलते हुए, इतना डेंजर था कि फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया कि नहीं भैया नहीं करना है। बाकी मज़ा आया इसमें भी। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी सारे अलग अलग राइड्स हैं, और नीचे स्पॉन्ज हैं बड़े बड़े ताकि अगर आप गिर भी जाओ तो कुछ लगेगा नहीं। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, और ये जंप वाले में तो सच में बड़ा मज़ा आया। ये देख ही सकते हैं आप कितना अच्छा है, और ये बंदर देखिए आप किस तरह से कूद रहा है, मेरा भतीजा है, इसने भी बड़ा इन्जॉय किया वहाँ पर। इस तरह से दुबले पतले इंसानों के तो मज़े ही है वहाँ पर। और ये मेरा बेटा बास्केट डालते हुए, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ये जो है इसको तो देख कर ही बड़ा मज़ा आता है, इसको बैठ कर और होल्ड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसने काफ़ी देर तक होल्ड किया। और ये आप देख सकते हैं ये जॉइंट स्विंग के नाम से एक झूला है जिसमें तीन लोग एक साथ बैठ के और बड़ा सा बिल्कुल पीछे तक के भैया खींच कर ले जाते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो डेंजर तो था, लेकिन मेरी बेटी ने किया, हम लोग ने तो नहीं किया, हम लोग ने ऐसे ही देख लिया। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए बढ़िया, छोटे छोटे एरोप्लेन वगैरह, और भी ये पानी वगैरह में बलून बड़ा, और काफ़ी कुछ था बच्चों के लिए बड़ों के लिए सभी के लिए, काफ़ी मज़ा आया इसमें। खैर जाना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटा वाटर पार्क भी था, वहाँ हमने सिर्फ देखकर आ गए, गए तो नहीं अंदर, नेक्स्ट टाइम कभी गए तो जाएंगे। तो बड़ा ही अच्छा था, आप फैमिली के साथ जा सकते हैं यहाँ पर एक लोग का अगर देखा जाए खर्चा तो 1.5 से 2 हज़ार रुपये आप मान के चलिए, इतना तो लगेगा ही लगेगा यहाँ। तो और फ्रेंड हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और देखते रहिए मम्मा'स फूड कॉर्नर। थैंक यू।